प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। बात आज से लगभग 7 महीने पहले की है। मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था पटवारी के लिए और उस वीडियो का शीर्षक था फतेह होगी। और अब पटवारी का परीक्षा परिणाम आ चुका है। आश्रम से अनेक विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में अंतिम रूप से फतेह हासिल की है। इधर मैं देखता हूं कि आजकल राजस्थान के युवाओं में खूब जोश है। उन युवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और इस जोश का कारण है कि लगातार खूब वैकेंसी आ रही है और उन वैकेंसीज की परीक्षा तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं, परीक्षा परिणाम भी आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ACF और FRO में सफल आश्रम के विद्यार्थियों से आपकी मुलाकात करवाई थी। जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे और जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकले तो पता चला कि पटवारी का परीक्षा परिणाम भी आ गया। तो इन दिनों आश्रम में मिठाई के डब्बों का अंबार लगा हुआ है। तो मैं कुछ चयनित और सफल युवाओं से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं ताकि आपका जोश बढ़ जाए, आपका उत्साह बढ़ जाए और काम के प्रति, लक्ष्य के प्रति आपकी लगन बढ़ जाए। तो जो पहले युवा हैं जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो है रोहिताश। तो रोहिताश जी, आश्रम के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते रोहिताश जी। रोहिताश जी, सबसे पहले तो आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि पटवारी का पाठ्यक्रम क्या है। सर, पटवारी का पाठ्यक्रम जो 300 नंबर का एक पेपर RSM भी बोर्ड कंडक्ट करवाती है और 150 ट्यूशन आते हैं, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को 5 भागों के अंतर्गत डिवाइड किया गया था, जिसमें से प्रथम भाग है उसमें इंडिया के सामान्य ज्ञान और साइंस, करंट और इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में प्रश्न आए थे। द्वितीय भाग जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न आए थे। तृतीय भाग जो भाषा से संबंधित था जिसमें 11% इंग्लिश के और 11% हिंदी के आए। और चतुर्थ भाग जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित था, और पंचम भाग के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि पटवारी का पेपर पैटर्न था 150 प्रश्नों का, 300 अंकों का, नकारात्मक अंकन भी था और कुल पाठ्यक्रम में खंड थे 5। अब मुझे ये बताइए रोहिताश कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और आश्रम में कब आए, और अभी तक आश्रम में आने के बाद किन किन परीक्षाओं में आपका चयन हो गया है। सर, मैं मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के राउतसर तहसील के चांदेड़ीबड़ी ग्राम का रहने वाला हूं और मैं आश्रम में सबसे पहले 19 दिसंबर 2019 को आया था। अरे वाह, आपको तो तारीख भी याद है। यस, पहले दिन आया था और 3 दिनों के बाद बड़ा पेपर हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट रैंक लाया था। उसके बाद में जितने भी पेपर हुए आश्रम में सभी में मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि यदि आप आश्रम के शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं और पेपर में शानदार रैंक हासिल करते हैं तो आपका चयन निश्चित है। लेकिन पहले ही पेपर में फर्स्ट रैंक ले आना आपकी योग्यता का प्रमाण है। तो रोहिताश, अभी तक कौन कौन सी परीक्षाओं में आपका चयन हो गया है। सर, मैं 2019 के बाद में 2020 में सबसे पहले सरकार ने राजस्थान पुलिस का पेपर लिया, उसके बाद में दिल्ली पुलिस, रेलवे NTPC, राजस्थान पटवारी, ग्राम सेवक, SI और उसके बाद RS मेंस में, अभी तक मैंने RS मेंस का लिखा है। इतने सभी पेपरों में मैंने पेपर क्वालिफाई किया। और क्या सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू कॉल भी आपको हुई है? यस सर, इंटरव्यू कॉल। हाँ, क्योंकि ये ड्रेस तो वही है जो मैंने इंटरव्यू के लिए लगा रखी है कि हमारे बच्चे ये पर्टिकुलर ड्रेस पहनकर जाएंगे। तो रोहिताश जी, इतने सारे आपके चयन हुए, इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। सर, तो वो राज भी हमारे विद्यार्थियों को बताएं ताकि वे भी आपकी तरह खूब सारे पेपर्स में सफलता अर्जित कर लें। सर, सबसे पहले इस राज के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने सुना था भाटिया आश्रम के बारे में, तो मैं बिना सोचे समझे आ गया। यहाँ पे जितने
भी शेड्यूल दिए जाते थे, यानी कि प्लानिंग आपकी होती थी और उस पर कार्य करना 8 से 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भी मैं पढ़ लेता था, यानी कि मुझे तो बस उस शेड्यूल को पूरा करना था, जो आपने कहा जैसे आपने प्लानिंग बनाई उसी के अनुसार मैं कार्य करता रहा और जैसे जैसे पेपर आते रहे मैं पेपर देता रहा और रिजल्ट आपके सामने सभी में क्वालिफाई करता गया। बिल्कुल रोहिताश, मेरा भी ये मानना है कि आश्रम के शेड्यूल पर अगर विद्यार्थी फेथ रखता है, शेड्यूल एक योजना है, और रोज क्लास में आता है, नोट्स बनाता है, टेस्ट प्रैक्टिस करता है, टेस्ट में अपनी रैंक को मेंटेन रखता है, दबाव में नहीं आता है और इस बात को समझ लेता है कि पेपर उसको देना है, इसलिए कुर्सी पर बैठकर पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो रोहिताश जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप पटवारी में चयन के पश्चात? अब सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा और मेरे भाई और मेरे गुरुजनों का सपना पूरा किया है, क्योंकि मैं मेरे परिवार में पहला बंदा हूं जो पटवारी परीक्षा पास करके गवर्नमेंट सर्वेंट बना। बिल्कुल रोहिताश जी, ये कहा भी जाता है कि ऊपर करतार और नीचे पटवार, क्योंकि पटवारी के पास एक परिवर्तन की शक्ति है, एक राजदंड की ताकत है, जिसके माध्यम से वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बहुत भला कर सकता है। आपका सपना पूरा हो चुका है, अब आप लोगों के सपने पूरे करने का प्रयास कीजिए, ये आग्रह है आपसे और यही आश्रम की परंपरा और रवायत भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहिताश जी। आपने देखा कि रोहिताश ने बहुत सारी परीक्षाओं में सफलता अर्जित की, और सफलता का एक मुख्य कारण जो मुझे लगता है रोहिताश की, वो है अपने संस्थान पर श्रद्धा, यानी आश्रम पर श्रद्धा। कहा भी जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब मैं जिस युवा से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो है कुलदीप बिश्नोई। तो कुलदीप जी, आश्रम के स्टूडियो में आपका स्वागत है, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि हम लोग बातचीत कर सकें। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि आप आश्रम में कब आए थे और किस प्रकार से तैयारी की थी? सर, मैं सबसे पहले आश्रम में 17 अगस्त 2019 को आया था और मेरा उद्देश्य था आरएस की तैयारी करने का, और मैंने आरएस बैच में एडमिशन लिया था, मैंने आरएस की तैयारी की थी और प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया था, और मेरा टारगेट था कि आश्रम टॉप करना, और उसके लिए आप 10 घंटे का कहते तो हम 12 घंटे 14 घंटे और हमारा 17 घंटे का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। क्या बात है कुलदीप जी, बहुत ही जबरदस्त। सर, मेरा एक फिक्स जो लकी रैंक थी वो मेरी हमेशा 4th रैंक आती थी सर। फोर्थ रैंक आती थी और ये शायद करिश्मा ही होगा ऐसा टेस्ट में। अच्छा कुलदीप जी, आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम में आपके एक और साथी भी रहते हैं, क्या नाम है उनका? अशोक जी भाकल है सर। अशोक भाकल भी पटवारी में चयनित हुए हैं, तो अशोक भाकल भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। अशोक जी, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि हम लोग बातचीत कर सकें और दर्शक हमें देख सकें। एक्चुअली मैं एक बात देखता हूं कि ग्रुप बन जाता है, 4-5 लोगों का क्या होता है कि ग्रुप बन जाता है विद्यार्थियों का, और या तो वो पूरा का पूरा ग्रुप चयनित होता है या वो पूरा का पूरा ग्रुप ही डूब जाता है। तो आप दोनों का क्या सामंजस्य रहा और किस प्रकार से आप दोनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी चलती होगी, कुछ इसके बारे में बताएं। जी सर बिल्कुल, मैं तो कुलदीप के बाद ही आया था यहाँ पे। कुलदीप तो अगस्त में गया और मैं आया था लगभग जनवरी में और एडमिशन लिया। मेरी रैंक तो थोड़ी दूरी थी, मतलब वैसे क्या क्या आती थी रैंक आपकी? 176 आई थी सर पहले बार में। हाँ, उसके बाद कैमरे की ओर देखें। उसके बाद सर मैंने जबरदस्त इम्प्रूव किया और
46 आ गए सर 14 में से, बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है क्योंकि कुलदीप कौर देखता था ये टॉप 10 में आता था, तो मैंने सोचा इस बार इसको पकड़ेंगे। फिर बाद में वो कोरोना काल वगैरह कुछ ऐसा आ गया, फिर भी लगातार तैयारी जारी रखी और आज सफल। बिल्कुल, कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन तो चल ही रहे थे और आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस भी कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, तो भाकल साहब के बारे में मेरे को पता लगा कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको लक्ष्य तक पहुंचने में काफी समय लगा और ढेर सारी असफलताएं भी आपको मिली, तो हमारे दर्शकों को उन असफलताओं के बारे में भी बताएं और क्या उन असफलताओं के बाद आप में किसी प्रकार का कोई विचलन उत्पन्न नहीं हुआ कि नहीं करते नहीं हो रहा, क्योंकि ये भाव बहुत अक्सर आ जाता है। सर मैं 2014 से लगातार तैयारी कर रहा था, 6 साल जोधपुर रहा, फिर एक जो वे होता है वो मैं सही ढंग से नहीं पकड़ पाया। फिर मेरे को मेरे सिस्टर वगैरह ने बताया कि हमारे साथ जो मैडम लगी हुई है वो उनके भाई हैं जो भाटिया आश्रम में तैयारी कर रहे, तुम भी वहाँ चला जा। फिर मैंने सोचा चलो, 22 जनवरी को मैं आ गया, फिर यहाँ कुलदीप से मुलाकात हो गई, फिर बाद में मतलब जैसे एक मोक्ष की तरह और स्वर्ग है ना, तो वो भाटिया आश्रम को मान लिया और इसके प्रति इतनी लगन रखी, तो आज सिलेक्शन हुआ सर। और बहुत ज़्यादा मेहनत की पूरे लगन और धैर्य के साथ, हालांकि सफल बहुत लेट मिली सर, लगातार तैयारी मतलब कम से कम 50 एग्जाम दे दिए सर, पॉइंट 50 से रहा हूँ, 1 नंबर से रहा हूँ, 2 नंबर से रहा हूँ, 3 नंबर से रहा हूँ, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें रहा नहीं हूँ। लेकिन इस बार मतलब कोरोना काल में यही रहा, तैयारी की जबरदस्त और लगातार रिजल्ट पे रिजल्ट रिजल्ट पे रिजल्ट, ऐसा भी बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा दिक्कत आ गई फिजिकल में, कोई दिक्कत नहीं, मेंस भी लिखा, रीड भी बहुत शानदार हुआ, इंग्लिश से हो जाता कोई दिक्कत नहीं, पटवारी में हो गया, वीडियो हो रखा है और आगे सेकंड ग्रेड के भी ज्वाइन कर रखा है, बैच बहुत शानदार रैंक आ रही है, पूरी कोशिश है वो भी निकालूंगा, हो सकता है भगवान आरएस बना दे। बस आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है क्योंकि आपका आईक्यू बहुत ही जबरदस्त है। 10th और 12th की एक बार परसेंटेज बताएंगे आप? सर मेरे 10th में 73 थे और 12th 2012 में 84.2% थे। बिल्कुल, उस युग में मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं कि आजकल तो 90% यो चुटकियों में आ जाते हैं, लेकिन 2012 के आसपास 84% अंक कक्षा 12 में लेना बहुत बड़ी बात थी। तो हमारी ये भाकल साहब से और कुलदीप जी से जो चर्चा हो रही थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपने समझना है। वो ये है कि आपको असफलताओं से विचलित नहीं होना और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो 2-3-4 लोगों का गुट बन रहा है, गुट से मेरा मतलब सकारात्मक अर्थों में है कि जो आपके मित्र बन रहे हैं वो सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हों और प्रयास करने वाले हों, ये नहीं कि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित ना हो, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप फतह हासिल करता है और पूरा का पूरा ग्रुप ही डूब जाता है। तो कुलदीप जी, आप कुछ बच्चों को बताना चाहें तो अवश्य बताएं। सर मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो आश्रम में जो शेड्यूल दे रखा है उनको सर सीधा प्रॉपर रूप से अगर हम फॉलो करें, जैसे 10 घंटे का प्लान होता है तो हमें कम से कम 10-12 घंटे में करना चाहिए, और हम तो कोशिश करते थे सर कि 2 बार करें उसको 10 दिनों के अंदर, तभी मतलब सर टॉप आ पाते थे, और कम से कम 10-12 घंटे इसके लिए पढ़ना पड़ता था। और सर कभी कभी तो जैसे हमारे जो कॉम्पिटिशन होता था रूममेट से होता था, तो हम रूम आते नहीं थे, रात को 12-17 घंटे सर हम पढ़ते थे और ये वेट करते थे रूम आने का, फिर अगले दिन ये नहीं आते थे, फिर अगले दिन वापस हमारा ऐसा शेड्यूल सर चलता रहता था, और कम से कम सर 10-12 घंटे पढ़ाई और शेड्यूल फॉलो करने के लिए सर जरूरी थी। क्या बात है, क्या बात है, इसी ही तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कुलदीप जी, जो आपने और भाकल साहब ने की और आज सफलता का परचम लहराया, मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आप आगामी परीक्षाओं में भी सफल हों और समाज के, राष्ट्र के उत्थान में, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी और भाकल साहब।
तो विद्यार्थियों, अभी हम लोग मिल रहे थे कुलदीप बिश्नोई और अशोक भाकल से, और आपने देखा कि दो रूममेट्स ने किस तरह से सफलता हासिल की और अभी भी सफलता हेतु, आगामी सफलताओं हेतु प्रयासरत हैं। अब हम आपको एक बहुत ही अलग प्रकार के व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं, वो है श्री भागीरथ वर्मा। अब ऐसा कौन सा काम है जो भागीरथ वर्मा ने नहीं किया, यानी कि सारा का सारा काम कर रखा है, इन्होंने क्या क्या काम किए और फिर अंत में ये तैयारी के लिए यहां सूरतगढ़ भाटिया आश्रम में आए, तो भागीरथ वर्मा पधारे। भागीरथ जी, आपका तो एक पूरा का पूरा इतिहास है, तो संक्षिप्त में वो इतिहास हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कब दसवीं और बारहवीं की और उसके बाद आपने क्या क्या किया और फिर आप प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में उतरे। सर, मैंने दसवीं 2010 में की थी और बारहवीं 2012 में की थी। फिर मैंने बीए रेगुलर नहीं कर पाया और किसी वजह से मेरी पढ़ाई मतलब छूट गई थी। फिर मैंने मतलब घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, मेरा काम करना पड़ गया। मैंने सबसे पहले तो 2 साल मैंने गाड़ी चलाई थी। गाड़ी कौन सी चलाई थी? वो पिकअप वाली, तूड़ी वाली। तूड़ी वाला जिसको डाला हम कहते हैं। हां जी सर। तो लाइसेंस है आपके पास? सर, है। फिर ठीक है। और फिर उसमें मैंने लोगों को देखा कि ये तूड़ी वाली को जिंदगी थोड़ी है। फिर मैंने सोचा कि कुछ लोगों को, किसानों को देखा। मैंने, मेरे पिताजी है ना, वो सब्जी का दुकान करते हैं, मैंने उनका भी शौक किया। फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करके दिखाएं। फिर मैंने फिर सोचा कि कुछ ना लोगों को मतलब प्रशासन में जाके लोगों की अच्छी सेवा की जाए ताकि लोग भी मतलब इससे प्रेरित हो। तब मैंने जाके और सोचा कि मैं पटवारी बनूं। तो मैंने 3 साल का लक्ष्य हासिल किए, 3 साल में मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 साल में आपने लक्ष्य हासिल किया। वैसे एक बात बताऊं भागीरथ जी, आपकी और मेरी कहानी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। आपने तूड़ी के डाले को चलाने का काम किया, आपने ठेले पर सब्जी बेचने का काम किया, और मैंने बीकॉम करने के बाद कुछ समय तक आड़त का काम किया था, और फिर मुझे बाद में लगा कि इससे तो पढ़ना बेहद सरल काम है, और तब मैंने पढ़ाई शुरू की। और जिस तरह से आपकी दसवीं और बारहवीं में बहुत कम परसेंटेज है, मेरी दसवीं और ग्यारहवीं में बहुत परसेंटेज कम है, क्योंकि उस समय हमारे टाइम में तो 11वीं होती थी। कुल मिलाकर बात यह है कि जब व्यक्ति जगे तभी सवेरा है, लेकिन एक बात स्वाभाविक है कि जब आपकी 10वीं और 12वीं में परसेंटेज कम होती है तो आपको संघर्ष प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ भी जरूर रहा होगा, तो उसके बारे में बताएं कि क्या क्या शुरुआती दिक्कतें आई कि तूड़ी का डाला चलाते चलाते अचानक आप प्रतियोगी परीक्षा के फील्ड में आ गए। सर, मैंने एक रेलवे का पेपर दिया था, उसमें मेरे 25 क्वेश्चन सही हुए थे। 25 क्वेश्चन सही है? 28 किए थे, 25 सही हुए थे। मैंने सोच लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और क्वेश्चन थे कितने उसमें? उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैंने यहाँ चांदेड़ी बड़ी के मेरे गाँव के पास के रोहतास है गढ़वा, उसके संपर्क में आया। वो अभी हम रोहितास से मिल ही रहे थे, रोहितास गढ़वाल से। हाँ। फिर उन्होंने मेरे को मतलब, मैं बहुत दबाव में था कि मेरे को नौकरी चाहिए कुछ भी आदमी। हाँ। फिर उन्होंने मतलब मेरे को कहा कि आप दबाव में ना आए। फिर मैंने इनको देखे, ये भी आराम से पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ लेते, 10 घंटे पढ़ लेते, ये कहते फ्री माइंड रहो और अच्छी तरह पढ़ाई करो। फिर मैं इनको देखे अच्छी तरह, इनके हिसाब से पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपकी सफलता में रोहिताश की भूमिका भी बहुत ज्यादा है। तो अब आगे तैयारी की योजना रहेगी कि आरएएस में भी उतरे और वीडियो मैंने प्री क्लियर कर दिया और मेंस की भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेंस में मैं पास कर रहा हूँ। और मेरा जो मेरे ग्रुप में 9 सदस्य है, रोहिताश गढ़वाल मेन है इसमें। अच्छा, वो लीडर है रोहिताश गढ़वाल, इसके निर्देशन में हम सब चलते हैं। तो हमारा तीनों का तो एक में तो एलडीसी में सेलेक्ट हो गया और अब मुझे विश्वास है मेरा रूममेट है वो वीडियो क्लियर कर देगा मेंस, और मैं भी वीडियो कर दूंगा। रोहितास का 5 जज का वो तो आपको पता ही है। हाँ, देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमें भागीरथ ने कहा कि हम लोग रोहितास गढ़वाल की डायरेक्शन में चलते हैं,
तो रोहिताश गढ़वाल ने तो ये कहा कि मैं आश्रम की डायरेक्शन में चलता हूँ। जो ग्रुप होता है ना उसमें एक व्यक्ति अक्सर नेतृत्व करता रहता है, लेकिन नेतृत्व करता का सकारात्मक होना बेहद जरूरी है। कई बार मैं देखता हूं कि नेतृत्व करता ये कहने लगते हैं कि हम रोज क्लास में नहीं जाएंगे, हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपका साथी नेतृत्व करता नकारात्मक है तो इसका मतलब ये तय है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को ये बता रहा हूं। तो भागीरथ, आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो संदेश यही देना चाहता हूं कि अगर बंदा ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। मैंने 3 साल में मैंने कहा, मैं इन लोगों को लोग ताने भी बहुत मारते थे कि ये कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो होता है, और खासकर गांव में बहुत ज्यादा, गांव में बहुत ज्यादा होता है। मुझे ये अक्सर, मैंने एक बार इस बिंदु पर लिखा भी था भागीरथ, के एक गांव होता है, गांव के अंदर एक पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा होता है, उस पर कुछ लोग बैठकर चर भर लूडो ताश शतरंज खेलते रहते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं और मूल्यांकन करते रहते हैं कि फला का लड़का जो है पढ़ने के लिए सूरतगढ़ गया हुआ है, 3 महीने हो गए अभी तक तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। दरअसल लोग जानते ही नहीं है कि चयन के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं सभी ग्रामवासियों से आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, बहुत सारे लोग उत्साहित करते हैं, बहुत सारे लोग हतोत्साहित करते हैं, तो जो हतोत्साहित करते हैं वो प्रत्येक युवा को उत्साहित करें और उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करें। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो मेरे गांव को समृद्ध बनाना चाहता हूँ, जैसे पटवारियों से जो भी प्रशासनिक सेवा है ना उसमें पटवारी पटवारी कर दूंगा मेरे पीछे। अरे वाह, पटवारी पटवारी करें और साथ में आरएएस आरएएस और आईएएस आईएएस भी सब लगा दूंगा करें। तो भागीरथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम भागीरथ से मिल रहे थे और भागीरथ ने हमें ढेर सारी बातें बताई। उसने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और इसके अतिरिक्त हमारी ग्रामीण परिवेश पर और बच्चों के, युवाओं के मूल्यांकन पर भी ढेर सारी चर्चाएं हुई। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक छोटे से परिवार से, उस परिवार से जिसने अपनी पुत्र वधू को खूब सपोर्ट किया, खूब मदद की और अब वो पुत्र वधू जो है पटवारी बनने में कामयाब हो गई है। दरअसल हमारी उनसे मुलाकात का जो उद्देश्य है वो ये है कि आश्रम की डायरेक्शन में तो उन्हें कामयाबी मिली है, इसके अलावा किस तरह से एक ग्रामीण परिवार यदि अपनी पुत्र वधू को सपोर्ट करता है तो अंततः वो एक बड़े पद पर आने में कामयाब हो जाती है। तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री सुखदेव, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मा और उनकी एक छोटी सी बेटी भी साथ में आई हुई है। तो सुखदेव जी निर्मा पधारिए, आप आइए, नमस्ते। अच्छा निर्मा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि ये गुड़िया तो हमारे कैमरे में आ ही नहीं रही, इसलिए इसे एक स्टूल पर हम लोग खड़ा कर देते हैं ताकि ये भी हमारे कैमरे में आ जाए। बिल्कुल, अब ये दिखाई दे रही है। अच्छा निर्मा, अब ये सफलता आपको प्राप्त हो गई है तो क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, स्वाभाविक है, लेकिन इस सफलता का श्रेय आप किस किस को देंगी? सर इस सफलता में सर मेरे सासू माँ ससुर जी और मेरे हस्बैंड और रवि भैया और मेरी भाभी जो मेरे प्रेरणा स्रोत बने बहुत बड़े, जो आपके आश्रम बाटी आश्रम में पहले यहाँ पर पढ़ के और पटवारी बने थे। बिल्कुल ये बात सही है
कि रवि भी पटवारी बनने में कामयाब हुआ, उसकी धर्म पत्नी भी पटवारी हैं और अब आप भी पटवारी बनने में सफल हो गई हैं, तो आपका परिवार तो पटवारियों का परिवार हो गया, एक ही परिवार में तीन पटवारी हो गए। लेकिन आपने बताया कि आपकी कामयाबी में आश्रम के साथ साथ आपके पति, आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी का बहुत बड़ा रोल रहा, तो आपकी सासू माँ का शुभ नाम क्या है, आपके ससुर जी का नाम क्या है, ये भी हमें बताएं। सर, मेरे ससुर जी का शुभ नाम श्रीमान धर्म सिंह और मेरी सासू माँ का शुभ नाम श्रीमती गुरमीत कौर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब एक विवाहित महिला तैयारी करती है तो उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर, बहुत बहुत ज्यादा चुनौतियां आती हैं, क्योंकि जब गांव से कोई लड़की पढ़ने आती है ना, तो आस पड़ोस वाले और सभी जो लोग होते हैं वो कुछ, कोई तो कुछ बोलता है, इसको क्यों भेज रहे हो पढ़ने, घर का काम करवा लो, या कोई कुछ बोलता है। और गुड़िया को छोड़ के आई तो सभी बोलते थे बच्चे को संभालेगा कौन ऐसे, तो मेरी सासू माँ ने बेचारी ने सीना तान के बोल दिया कि मैं संभालूंगी गुड़िया को, तुम पढ़ लो। और मेरे हस्बैंड ने भी सर बोल दिया कि कितना भी कुछ लगे आप पढ़ो और मैं मेहनत करके आपको पढ़वाऊंगा। तो सुखदेव जी, आप क्या सोचते हैं, अब जैसे आपकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मा जो है वो पटवारी बनने में सफल हुई है? हम तो ये सोचते हैं भी जो ग्रामीण से आते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, उनको भी जो अपनी पत्नी को पढ़ा के नौकरी लगाएं, ये बहुत बड़ा काम है, जो कि हमने मेरे ससुराल में मतलब मेरे साला जी हैं वो पटवारी बने, और उसको देखने के बाद में हमें ऐसे लगा कि हमारी पत्नी भी पटवारी बन सकती है या कुछ और बन सकती है, उनसे हमें प्रेरणा मिली बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये तो है। उसके बाद में मतलब जो हमारी शादी हुई थी तब ये बीए सेकंड ईयर कर रही थी, तो हमने बीए सेकंड ईयर क्लियर करवाई और बीए फाइनल भी करवाई, उसके बाद में मेरे साला जी हैं वो पटवारी बन गए, और उसके मतलब उसको देखकर हमें ये लगा या उसने हमें प्रेरणा दी भी आप भी दीदी को तैयारी कराओ, हम उसका सहयोग करेंगे। तो हम वहाँ से जो उन्होंने तैयारी की थी भाटिया आश्रम में, चार साल से जो भाटिया आश्रम में उन्होंने तैयारी की थी पहले, तो उसके बाद में हम गुरुजियों से भाटिया जी सर से मिले, तो हमें गुरुजियों ने बोला भी आप लगातार तैयारी करवाओ तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो उसके बाद में आज तक हम हमारी पत्नी बहुत आज तक बहुत कामयाब हो चुकी है। बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं को अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि निर्मा बहन ने इस बार आरएएस मुख्य परीक्षा भी दी है, जिसका परिणाम अभी कुछ ही समय में आने वाला है। तो आपने हमारी इस परिचर्चा में जो हमने सुखदेव जी से और निर्मा बहन से डिस्कशन की, उससे एक ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पर्टिकुलर विवाहित महिलाएं हैं, वो भी अवश्य प्रेरित होंगी कि अगर मेहनत की जाए और परिवार का सहयोग रहे तो सफलता अवश्य मिल सकती है। अच्छा निर्मा बहन, लगभग कितने घंटे आप पढ़ती थी? सर, 6 से 7 घंटे डेली, और ज्यादा पड़े जाए तो ज्यादा और कभी कम भी पड़े। अच्छा, मतलब ये रहता था कि 6-7 घंटे कक्षा के अलावा 6 से 7 घंटे का अध्ययन आपका रहता था। जब भी कोई भी जैसे कोई हमारे सामने कोई आ जाती मुसीबत, तो रवि भैया बताते थे ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, उन्हीं के प्लान से। और सर, आपकी 5 बातें हमेशा याद रखी सर। अच्छा, 5 बातें आपने याद रखी। मेरे सामने रवि से पहली मुलाकात का परिदृश्य भी घूम रहा है, उसने जो मेहनत की, जो संघर्ष किया विपरीत स्थितियों में, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। तो हमारी अभी चर्चा हो रही थी इस परिवार से, और मुझे लगता है कि आज की ये तमाम मुलाकातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं को छूती हुई थी।
कि किस तरह से एक बहुत उच्च आईक्यू वाला लड़का अनेक असफलताएं झेलता है, किस तरह से एक लड़का जो कभी ठेला चला रहा है और कभी सब्जी बेच रहा है, कभी तूड़ी वाला डाला चला रहा है, वो पटवारी बनने में कामयाब होता है, और किस तरह से एक लड़का एक साथ 6 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है। तो बहुत सारी बातें, और कैसे एक स्वस्थ प्रतियोगिता दो बच्चे करते हैं जो एक ही रूम में रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं थी आज की। पटवारी का परीक्षा परिणाम आ चुका है और आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो मेरी सब युवाओं से ये गुजारिश रहेगी कि आप अपनी तैयारी को बदस्तूर जारी रखें, खूब मेहनत करें, सफलता अवश्य हासिल होगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।